फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज मल्टीटास्किंग मॉम ललिता। सो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे। और आज इस वक्त हो रहा है कुछ 6:30, तो मैं आज अपना रूटीन जो है यहाँ से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सो इन द मॉर्निंग जैसे सुबह सुबह बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था और बहुत ही ज़्यादा मैं ऐसा डिस्टर्ब फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, because of YT, because of friend, because of I'm missing too much, you know, to my friend, to my student, to everyone. I hope जो मुझे देख रहे हो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, कभी कभी मिस होता है। तो आज मैं सोची थी अपना ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाऊँगी और कल भी मैं बनाने वाली नहीं थी, बट बहुत लोगों को इंतज़ार होता है, बहुत लोगों को प्यार है जो कि यू नो सो अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों के साथ आना। बट समटाइम वी ऑल्सो गेट सो मच डिसअपॉइंटेड, वी इन द सेंस मी एंड माई सिस्टर। सो बिंदु मुंबईकर फैमिली बिंदु, जैसे आप लोग ने देखा ही होगा हम सिस्टर हैं। बट ऐसा लगता है ना, ये बात बोलनी भी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए पता नहीं, बट ऐसा होता है यार कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, इतना वीडियो एडिट कर रहे हैं और बहुत कुछ, हमें घर से भी बहुत सारे ये सुनने को मिलते हैं क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, यू नो। बट अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, प्यार कर रहे हैं, और ये चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो हम किसी को बता नहीं सकते। सो बहुत अच्छा लगता है। बट आप लोग जिस तरह से मोटिवेट करते हो ना, हम वापस आ जाते हैं, बट थोड़ी से थोड़ी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जो हमारे थोड़े से व्यू है ना, वो कम आते। आई डोंट नो व्हाई, बोलना भी चाहिए या नहीं चाहिए, बट मैं फ्रेंकली हूँ फ्रेंड्स, जैसा है वैसा फील कर रही हूँ, वैसा मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। सो बस इतना सा दुख होता है, तो मैंने सोचा कि अब मैं ब्लॉग ही बनाना बंद कर देती हूँ, अब मैं कुछ यू नो सो बट वापस से देखो मैं आ गई। सो मैंने अभी भी ग्लैम ईगो प्रोडक्ट का शूट किया है फ्रेंड्स, आज मैं अपलोड कर दूँगी तो ज़रूर देख लेना। एंड जैसे आप इंडिया नंबर वन सब्सक्रिप्शन बॉक्स से आप लोगों को पता है अगर आप लोग मुझे देखते आ रहे हो तो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप उसमें ईयरली अगर आप पैकेज लेते हो ना, आपका पैसा पूरा फुल टू वसूल है। आपको इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है ना फ्रेंड्स, उसके बारे में भी अच्छे से हमें नॉलेज हो जाता है। जैसे बेला वॉस्टो हो गया, के स्टार हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है यू नो, के पॉल्यूशन स्प्रे हो गया, वो सब हम कहाँ बाय करने जाते हैं, और इतना कॉस्टली है फ्रेंड्स कि 1000। जैसे ऑयल एक दिया था, ऑयल इतना अमेजिंग है, ओ माय गॉड, वो कुछ 1499 है, यानी कि 1500 के हैं। सो इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले, और जैसे हम दुकान में जाके बाय करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि इतना मैं पैसे डालूँ कि नहीं। एंड लिप स्क्रब हो गया जो अमेजिंग है फ्रेंड, 500 का लिप स्क्रब कौन लेगा। हम सोचेंगे चलो हमने ऐसे शुगर ले लिया, स्क्रब कर लिया, और ये तो करेंगे भी नहीं, और यू नो तो। बट इतने अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, इतना अच्छा लगता है कि मैं वापस से इसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। और एक बॉक्स के बारे में मैंने पता किया है, तो वो भी मैं जस्ट करने वाली हूँ, अभी देखती हूँ। बट वो ज्वेलरी बॉक्स है फ्रेंड, ज्वेलरी तो हमें ऐसे भी मिल जाते हैं बार्गेनिंग करके, बट जो कॉस्मेटिक है हम थोड़े से यू नो ये करते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट देते हैं। तो अब 6:30 हो रहा है जैसे कि मैंने कहा, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। एक्चुअली मैंने थोड़े देर पहले ग्रीन टी पिया फ्रेंड्स, बट मुझे बहुत ज़ोरों से लगी है भूख तो थोड़ा टाइम है अभी डिनर के लिए, तो मैंने सोचा कि अनन्या भी स्कूल से आ गई है, क्लास से, तो हम बैठ के थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़े गप्पे सप्पे मारते हैं। और पीहू भी जो सो के उड़ गई, और पीहू की हैबिट थोड़ी सी यू नो, पीहू को पता है कि मम्मा जो है घर पे है, तो पीहू फुल टू अपना एंजॉय करती है और मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। और जैसे पीहू 2.5 साल की है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो, और 2.5 साल की है, और उसे स्कूल भी मैं नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि समटाइम्स एक महीने में एक बार चली जाती है, क्योंकि वो 10 बजे उसका स्कूल होता है, 10 बजे सो के उठती, तो मैं भी फोर्स नहीं करती हूँ। और मैं बहुत ही काफ़ी सालों बाद जो है, पीहू 2.5 साल की है, जब से पीहू 6 महीने की थी, यानी 2 साल से मैं पीहू को मॉर्निंग जो है मिस करती थी, यू नो स्कूल चली जाती थी, तो मैं सोचती हूँ पीहू के साथ मैं फुल टू इन्जॉय करूँ। जब पीहू उठती है तो यू नो हम मस्ती करते, धमाल करते, तब तक मैं थोड़ा अपना खाना बिना बना लेती हूँ मॉर्निंग में उठ के, और फिर इस तरह से यू नो रूटीन चलता है फ्रेंड्स। और अब पीहू कहीं भी रुकती नहीं फ्रेंड, पहले दीदी थी मेरी, क्या दीदी, गीता दीदी, वो
वो उन्हें संभालती थी और मेरे सारे फ्रीडम भी चले गए, क्योंकि गीता दीदी उन्हें देखती थी और मैं स्कूल जाती थी। और अब तो है पीयूष जरा भी कहीं रुकती नहीं, नानी के पास भी जाओ तो यू नो उसे पता चला था मम्मा जाने वाली तो तुरंत भाग के आती है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं पीयू को कहीं रख के कहीं नहीं जा पाती हूँ, तो मुझे कहीं अगर जाना है तो यू नो आपके दिमाग में ये चलते रहता है कि अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो तो बच्चों का यू नो वाटर बॉटल फिर उनके खाने थोड़े से लेके कैरी करके रखना पड़ता है, उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा होता है और थोड़ा सा आप स्लो हो जाते हो। और ऐसे मुझे शॉपिंग करना ये करना यहाँ यू नो फटाफट यहाँ जाना वहाँ जाना थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट पीयू के लिए पीयू को लेके मैं थोड़ी सी ये हो जाती हूँ, जैसे हम जाते हैं नानी के यहाँ रिक्शा करते वहाँ से चले आते हैं दैट्स इट, और चलना भी नहीं हो पाता है मेरा। और मुझे चलना बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कहे कि कोई यहाँ से यू नो आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप जाओ चल के, तो मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है मुझे। तो ये सारी थोड़ी बहुत मैं हॉबी भी बता रही हूँ आपको, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं जो दिमाग में चल रहे हैं, जो कि थोड़े बहुत मैं आंसर दे रही हूँ। जैसे पीहू कितने साल की है, तो पीहू 2.5 साल की, अभी जून में जो पीहू है 3 साल कम्प्लीट हो जाएंगे, और बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। सो अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी तो मैं सोच रही थोड़ा चाय और ब्राउन ब्रेड बना लूँ, सो चलिए मेरे साथ और आप भी आ जाइए चाय इन्जॉय करने के लिए। Dark side. I wanna know your secret. सुना दिखाओ, असेंबल करते हैं पियू। ओह और अन्य क्या करते हैं? चलो अन्य चाय पी लो। अन्य तो ट्राइपॉड के पीछे पड़ गई है, इसको बना के ही रहेगी, ठान लिया अन्य ने, है ना अन्य? सोनू एप्पल नहीं खाया? सोनू ए सोनू तुझे मजा वर भलोसा नायका है पीयू। मेरे को क्या पीयू, बाय का तो बाय नहीं बात करूं। ओके पापा का फोन आ रहा है, बाय। सो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन एरिया में, तो आज मैं बनाने वाली हूँ समथिंग स्पेशल, पाव भाजी। जी हाँ आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे मैंने 2 कांदे ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसे अच्छी तरह से मैं काट लूँगी। और उसके बाद आज बिल्कुल मूड भी नहीं था मेरा बनाने का, फिर भी मैंने सोचा पाव भाजी बनाती हूँ, क्योंकि पाव भाजी एक ऐसा है ना कि सारे भाजी भी आ जाते हैं और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। तो मैंने आज हस्बैंड जी को फ़ोन करके कहा कि मैं पाव भाजी बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी, वैसे तो पाव खाते नहीं है, बट उन्होंने मान लिया तो फिर आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आज मुझे सिर्फ भाजी बनानी है, पाव भाजी, और पाव जो है बाहर से आ जाएगा। सो प्रिपरेशन मेरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो और अनियंस काट लिया है, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं बहुत सारे तरीके यू नो है बनाने का, बट मैं सारे वेजिटेबल जो हैं उसे कट करके
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे वेजिटेबल कट करके रख लेती हूँ। जैसे आज मैंने यहाँ पे लिया है गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और मक्का लिया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और आप ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और देख ही सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मक्का, शिमला मिर्च, गाजर और आलू इस तरह से काट लिया है, और ये गोभी है। और इसे कुकर में बस डाल के मैं यहाँ पे 2 से 4 सीटी तक लगा लेती हूँ, और अच्छी तरह से पूरी मैश हो जाता है, तो मुझे मैशर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें मैं थोड़े से पानी डाल के इसे 2-4 सीटी तक मैंने लगाया था, तो इसे अच्छे तरह से उबल जाता है ये। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा और 2 लवंग, 2 काली मिर्च, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी हींग। तो इसे अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे, और सोटे करने के बाद जब ये थोड़ा सा रेडिश हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 टोमेटो ले लिए थे मीडियम साइज़ के, तो इसे अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे। और उसके बाद ये जो है जो मैंने रखा था 4 सीटी के बाद, देख सकते हो आप कितनी पूरी तरह से ये गल चुका है, तो इसे भी हम अच्छी तरह से डाल देंगे। और यहाँ पे इसे जब तक नहीं डालना तब तक ये आपके मसाले अच्छी तरह से पक ना जाए। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, उसमें मैंने हल्दी लिया है, और किसी ने मुझे कमेंट्स करके बताया, पूछा था कि आप कौन से मसाले यूज़ कर रही हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट का लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, एंड बादशाह का मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है। बादशाह का मुझे मैंने इसे पहले भी यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और मैं पहले बहुत सारे ब्रांड के यूज़ करती थी, लेकिन अब मेरा फेवरेट है ये बादशाह, तो बहुत ही अच्छा मुझे टेस्ट लगता है इसका। और ये सारे के सारे जो वेजिटेबल है ये उबल चुके हैं, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, और बस मेरा यमी सा जो है ये पाव भाजी जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और बहुत ही कम टाइम लगता है पाव भाजी बनाने में, और ट्रस्ट मी गाइस खाने में तो अमेजिंग लगता है। तो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ एक्चुअली। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। सो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने मक्का जो उबाल के रखा था उसे भी काट के मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और मेरे पास एक चीज़ है चीज़ स्लाइस, उसे मैं कट करके डाल दूँगी। सो यहाँ पे मैंने धनिया और चीज़ स्लाइस डाल दिया, और यम्मी पाव भाजी, डिलीशियस पाव भाजी रेडी है फ्रेंड्स, ज़रूर आप ट्राई करना फ्रेंड्स। ये खा लो सोना, खा लो। सो फ्रेंड जैसे कि एग्ज़ाम आ रहा है, तो अनन्या आज सीरियसली बैठ के स्टडी कर रही, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी अनन्या की टेस्ट लेने वाली हूँ, और पीहू का तो क्या है, पीहू तो फुल टू मस्ती में बिजी है और अपने ही रंग में रंगी है। सो पीहू तो फुल टू मस्ती करती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते। सो मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ पीहू के साथ। सो आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर ये पाव को आपको सॉफ्ट करना है तो किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, उसे अच्छी तरह से गर्म होने दूंगी और छलनी रख दूंगी। और ट्रस्ट मी गाइस, आपको पाव ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी बेकरी से एकदम फ्रेश लेके आए हो। और इस तरह से छलनी रखने के बाद जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए, तो मैं इसे इस तरह से रख के ढक दूंगी। और मेरे पास एक्चुअली प्रॉपर ढक्कन नहीं है, तो आपको आपके पास अगर प्रॉपर ढक्कन हो रखने के लिए तो आप रखो। और इतना सॉफ्ट ये पाव होता है, आप ज़रूर कहेंगे, खाने वाला बंदा हमेशा ज़रूर कहेगा कि वाह इतना सॉफ्ट पाव आपने कहाँ से लाए। तो आज यहाँ पे हमारे थाने में जो है फेमस है कुंजी विहार वड़ा पाव, वो भी लाया है मेरा देवर ने। सो आज तो पूरी की पूरी पार्टी हो रखी है हमारी, तो ये वड़ा पाव और पाव भाजी हम इंजॉय करेंगे। सो आज का डिनर बहुत ही स्पेशल बना हमारे लिए। सो फ्रेंड्स आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और आप देख सकते हैं ये जो पाव है, ओ माय गॉड, ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है।
अगर आपको पाव इस तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है तो आप ज़रूर ये ट्रिक अपनाना, और ये ट्रस्ट मी बहुत बहुत ही सॉफ्ट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सॉफ्ट हो गया और खाने में भी इतना यू नो माउथ में जाते ही एकदम घुल जाता है। तो आप ज़रूर ये ट्रिक अपनाइए।